शेकड़ो वर्ष अपनी मातृभूमि परकीयांच्या गुलामगिरीत टिकत पडली आहे। आपल्याला ती स्वतंत्र करायची आहे। आपले पूर्वज खंडोबा ज्योतिबा या वीर पुरुषांकडून प्रेरणा घेऊन स्वराज्याचा श्रींच्या राज्याचा गुलाल भंडारा आपल्याला उभारायचा आहे। अडले कशात? हे बोलणं सोपं आहे। स्वप्न फक्त पाहायची नसतात, ती साकारण्याची ताकद हवी आपल्यामध्ये। त्यासाठी मनुष्यबळ हवं, म्हणजे मयतेचा तैवार घेणारे हे राज्य निर्माण व्हावे ही तुमची इच्छा। गरीबांचे श्रीमंत राज्य, दुर्बलांचे तुम्ही नुसता हुकूम करायचा आणि आम्ही तो जेवायचा। फक्त हुकूम देणं आणि पाळणं हे अवघड कार्य पडीच न्यायचं आहे आपल्याला। हा उठीने शोधणार तुमच्यावर देशासाठी स्वराज्यासाठी हसत मरण्याची आणि मागण्याची काही सुरक्षित राहावा, त्यागाच्या भगव्या ध्वजाखाली तो नांदावा। जुनी सत्ताधीशांच्या आणि आमच्या रक्ताने या स्वतंत्र देवतेचा मळवट भरून आम्ही आमच्या मातृभूमीचे सौभाग्य कामकाळच्या सूर्याप्रमाणे तेजस्वी ठेवू। Thank you।
संभाजी ही मराठ्यांची संस्कृती आहे. शत्रू मेला एक संपत्र.
हमारी सल्तनत क्या नहीं है इसमें, हजारों तोहफे, लाखों घुड़सवार, सैकड़ों हाथी और उसके साथ उस बेटी ईरानी इराकी अफगानी सूरमा बहादुरों से भरी पड़ी है हमारी फौज, लेकिन फिर भी बार बार शिकस्त खानी पड़ रही है हमें। और पहाड़ों में रहने वाले कुछ मरहट्टे मामूली किसान, फिर भी हमेशा जीतता है वो। उसका चाल चलन हीरे की तरह चमकदार और पानी की तरह साफ है, ऐसा सुना है। इसी वजह से शायद उसके सिपाही उस पर जान न्योछावर करते हैं, जान देते हैं उसके लिए।
आइए बाबू जी, ये है दखन के राजा शिवाजी भोसले और ये हमारे पंचहजारी सरदार संभाजी राजा। राम सिंह जी बुजुर्ग, शिवा को उसकी जगह दिखाओ। जी बुजुर्ग, आइए आइए राजा आइए। राम सिंह जी, हमारे आगे में कौन खड़ा है? जी ये महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, जिसकी पीठ हमारे सिपाहियों की तलवार ने कई बार देखी है, जसवंत सिंह उसे हमारे आगे खड़ा किया तुमने? इन तुर्कों के दरबार में सिर्फ नाम के ही शेर दिखते हैं। राम सिंह तुम्हें पता है और तुम्हारे बादशाह को भी पता है कि हम स्वतंत्र राजा हैं, राजा हैं हम। राम सिंह, तुम्हारे पिता मिर्जा राजा ने हमें वचन दिया था कि यहां हमारा सम्मान किया जाएगा, और हम यहां ये क्या देख रहे हैं? हम यहां पानी छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, इस दरबार में इन खतरों की कतार में खड़े होने के लिए। अरे अशा लाचारांच्या दरबारात चली आ रही हमारी मुगलिया सल्तनत की धज्जियां उड़ा रहा था, और हमारे सारे दरबारी सूरमा मुगल राजपूत बुत बनकर सुन रहे थे। लानत है ऐसे नाकारा मनसबदारों पर, फौज बंद सिपाहियों पर लानत है। खुदा का खैर है कि सिवा के सारे हथियार यहां आने से पहले ही हमने जब्त करवा दिए थे, इसलिए हमारी जान बच गई, नहीं तो आज हमारा ये शाही तख्त हमारे ही खून से लाल हो जाता।